हाँ जी बच्चे, आज हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स का वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 6, नंबर्स 10 टू 20। बच्चे काउंटिंग आती है सबको? हाँ जी बच्चे, काउंटिंग आती है सबको? अनम्यूट करके बोलो। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ठीक है बच्चे, ठीक है मैम। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ना बच्चे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके पेज नंबर 124 पे, ठीक है 124 पे है पेज नंबर, ठीक है वो करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज चेक कर लो। ठीक है, इसके पहले ना आपको जैसे 18 लिखा हो, ठीक है 18 क्या है, ठीक है वंस पोजीशन पे है, और वन क्या है टेंथ डिजिट पे, ठीक है टेंथ पोजीशन पे। हरलीन अपडेट में ज्वाइन की तो मैंने आपको कर दिया क्लास में से, ठीक है अगर आपने अपनी स्क्रीन पे हाथ लगाया तो मैंने रिमूव कर देना क्लास से बच्चे। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन 14 कैसे लिखोगे बताओ? को कैसे लिखोगे? 10 को 10, ठीक है। एंड इसी तरह यहाँ पे 17 को कैसे लिखोगे? वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखोगे? एस ई वी ई एन 7 ई एन, ठीक है टी ई एन 10 टी 17 नहीं 17 ही 17 1717, ठीक है तो ऐसे लिखोगे 17। ठीक है, इसी तरह 16 कैसे लिखोगे? 16 कैसे लिखोगे? IXEWEN16 ठीक है, इसी तरह 20 को कैसे लिखोगे? हाँ जी लिख लो इसको, ठीक है अपने बुक में लिख लो। समझ लो मैं सारे फिर बात तो कर लूंगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें, आगे बढ़े। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैच द नंबर्स, मैच द नंबर्स विद देयर नंबर। जैसे फर्स्ट आपको क्या है करवाया? फर्स्ट है 1 to 12, ठीक है तो 12 को किसके साथ मैच किए? यहाँ पे थर्ड के साथ, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है 12। ऐसे ही 15 किसके साथ मैच होगा बच्चे? 15 किसके साथ मैच होगा? किसके साथ मैच होगा? 5th के साथ, FYTEE। एंजल होता है या बाइक एंजल होता है?
ठीक है 15, 18 किसके साथ मैच होएगा? के साथ। हाँ जी कहाँ पे 18 फर्स्ट सेकंड के साथ ठीक है फर्स्ट, हाँ जी फर्स्ट के साथ ठीक है, यहाँ पे लिख लेना चाहिए सी। इसी तरह 11 किसके साथ मैच होएगा? बच्चे 22 के साथ बिल्कुल सही कह रही बच्चे। किसके साथ मैच करेगा? 13 बच्चे किसके साथ मैच करेगा? हाँ जी 13 आपका किसके साथ मैच करेगा? फोर्थ के साथ। मैम 14 के साथ। फोर्थ के साथ बच्चे हम बोलते हैं ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना ठीक है। मैच की है इसको आप लिख लेंगे। हाँ जी चल गया पता? जिन बच्चों ने नॉन ड्रेस की है कोई डाउट है? ओके बच्चे कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ना जिन बच्चों ने अपने नाम के साथ आईडी या सेक्शन नहीं लिखा ना, प्लीज अपना सेक्शन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अपने ना पेरेंट्स से पेरेंट्स की हेल्प ले लो। ठीक है अटेंडेंस लगाने के लिए अपने नाम के साथ, जैसे हरसिमरत कौर, कन्वर वीर सिंह, कृष्णा टैगोर, ठीक है ये सारे बच्चे ना अपने नाम के साथ सेक्शन जरूर लिखे प्लीज। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी ठीक है करें स्टार्ट फिर। यस मैम। ठीक है फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस आपने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग आती है आपको करनी? जैसे यहाँ पे कितने मंकी के फेसेस हैं? 1 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है। तो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, इसमें बच्चे
बट ये जो फर्स्ट वाले नंबर होते हैं ये वंस है, ठीक है, कितने वंस है, थ्री वंस है, एंड कितने टेंस है, वन टेन। बच्चे ये फर्स्ट पोजीशन को हम बोलते हैं वंस डिजिट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट, ठीक है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट, ठीक है, इसको हम क्या बोलती है, टेंस डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे बनानास बनेंगे, कितने बनानास है काउंट करो, चलो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ठीक है बच्चे, वेरी गुड, 15, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में क्या, 10 में क्या आएगा, 10th पोजीशन यहाँ पे क्या आएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1, 10, ठीक है, जो 10th पोजीशन पे और 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
नेक्स्ट है बच्चे पीनट बटर हम जाकर काम का देख लेंगे पास किए हुए ठीक है आपने काउंट कर फोर फाइव सेवन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन अब कुल्फीज गिनो कितनी कुल्फी है कौन सा नंबर आएगा वन वन के भी कौन सा आएगा वन आगे समझ हाँ जी नेक्स्ट करें नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन ठीक है फोर्थ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग अगेन ठीक है आपने मैच करने जैसे ए थर्टीन ठीक है इसमें कितने टेंस है वन टेन थ्री वंस ठीक वन प्लस वन सिक्स
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा ए। इसी तरह आपने 16 को मैच करना है। 16 को किसके साथ मैच करोगे? 110 एंड 61 कहाँ पे लिखा हुआ है? मैम 4 के साथ। मैम 4 के साथ। ठीक है, तो इसको मैच करो आप। बी ठीक है, 110 एंड 61। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, 20। टू टेंस, ठीक है, यहाँ पे टेंस पोजीशन पे कौन है? टू। ठीक है, टू टेंस एंड जीरो वंस, हाँ जी, किसके साथ आएगा ये? हाँ जी, टू के साथ, बिल्कुल सही। ठीक है, सी अगला अगला होना बनना, ये तो एक ही दिन होगा बोलते बच्चे, 110 एंड 01। ठीक है, एफ यहाँ पे मैच करो। मंजिंदर की मैं ड्राइंग रिमूव कर देती हूँ। हाँ जी, चलो करो। होनी तो किधर फंस गई? साथ थोड़ा दुख दिया अंकल ना, सामने एक जल्दी जाते रहे हो या इधर रहे? हाँ जी बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 बीट्स, वंस पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 5। तो आपको यहाँ पे 5 बीट्स, देखो 3 बीट्स तो पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपने 2 बीट्स और ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 2 बीट्स आपने और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल लगा लिया, ठीक है, सर्कल लगा लिया, बस ये बीट्स बन गए। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक इस तरह, एक स्टिक में आप मैक्सिमम 9 ही बीट्स डाल सकते हो, क्योंकि 0 से लेके 9 तक ही हम, 0 से लेके 9 तक ही हमारे पास डिजिट्स होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 बीट्स और ड्रॉ करने थे। ठीक है,
अब देखो टेंथ डिजिट पे कौन सा नंबर है, वन, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वन बीट हुई। इसी तरह वन टेन प्लस सेवन वंस, सेवन वंस मतलब यहाँ पे आपको कितने बीट्स चाहिए, सेवन, ठीक है, तो वन और नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना, मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। हाँ जी वन, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, इस तरह ड्रॉ करो। एंड इसी तरह वन टेन, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ वन बीट है, दैट मीन्स आप यहाँ पे ऐसे करो। आ गया समझ आपने बीट से बच्चे? यहाँ पे जैसे बीट्स हम डालते नहीं है गेम में, एक मिनट में आपको दिखाओ, अब बांधना पड़ेगा, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। कर दो पहले, बच्चे मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखाती हूँ, बिल्कुल हाँ जी बच्चे देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये बीट्स डाल रहे हैं बीच में, जैसे ये बीट्स डाल रहे हैं ना यहाँ पे देखो, है ना, इसी तरह को माना है वन डिजिट, एक को टेन डिजिट, एक को हंड्रेड डिजिट, ठीक है, तो वंस पोजीशन में आपके पास जितने नंबर्स होंगे आपने उतने बीट्स डाल दिए। देखो नीचे जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे बीट्स डाल दिए, इस तरह काउंट करते हैं हम, ठीक है, इस तरह काउंटिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, इस तरह बच्चे आपने बीट्स इस तरह डाल दिए, ऐसे डालने को बोल रहे, आगे समझ, ठीक है। अब नोटबुक पे तो बुक पे तो आप इस तरह डाल नहीं ना सकते, तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, तो मैंने आपको बीट्स यहाँ पे जब जब हम अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन कर रहे थे तो ऐसे बना के दिखाए, आ गया समझ? हाँ जी बच्चे समझ आया, ठीक है, हाँ जी अब करते हैं, ठीक है। टू टेंस, टू टेंस का मीनिंग क्या है कि टेंस पोजीशन में टू बीट्स है, बाकी तो कोई और बीट है नहीं, तो यहाँ पे आपने दो बीट्स इस तरह बना दिए, आगे समझ, ठीक है, दो सर्कल्स बना दिए, दो बीट्स, ठीक है जी। हाँ जी काउंट द बीट्स इन द अबेकस एंड फिल द बॉक्सेस, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपने बच्ची, सिक्स्थ क्वेश्चन में जितने बीट्स आपको गिवन है आपने काउंट करके लिखना है। देखो वन स्टिचेट पे कितने बीट्स है, जैसे यहाँ पे देखो वन स्टिचेट में कितने बीट्स है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो पहले इन्होंने लिखा फोर, ठीक है। एंड टेन स्टिचेट में ओनली वन डिजिट है तो वन फोर, वन फोर फोर्टीन, आ गई समझ। इसी तरह यहाँ पे कितने बीट्स है काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो पहले आएगा सिक्स, उसके बाद ओनली वन डिजिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन सिक्स सिक्सटीन,
आया समझ? यस मैम। वन, अभी यहाँ पे काउंट yes. कितने बीट्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सेवन सिक्स सेवन, ठीक है सेवन। तो यहाँ पे वन स्टिचिंग पे क्या आएगा? सेवन। आगे पीछे तो कोई बीट है नहीं, दैट मीन्स आपका आंसर क्या है? सेवन। आ गया समझ? मैम यस। हाँ जी, आज वाला काम समझ में आ गया सबको? बीट्स वाला आप अपने आपको जैसे मैंने स्क्रीन वहां से समझ आ चुका ना? मैम यस। मैम यस। ठीक है बच्चे, तो आज का होमवर्क क्या है कि आपने फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस आपने अपनी बुक में ही क्या कर ली है? कंप्लीट कर लिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा समझा दो। हाँ जी बच्चों, समझा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था हमारा? हाँ जी, फोर्थ में बच्चे आपने मैच करना था जैसे 1, 3, 30। ठीक है, तो यहाँ पे टेंथ पोजीशन कौन सा है? 1, 10 and 3 ones. ठीक है, 1, 10 and 3 ones. ठीक है, 1, 10 and 3 ones. इसके साथ आपने मैच कर दिया। ठीक है, तो मैच कर दिया मैंने। इसी तरह 1, 6, 16. टेंथ पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है? 1. That means 1, 10 and 6 ones. 1, 10 and 6 ones. तो आपका फोर्थ के साथ मैच हो गया। तो फोर्थ के साथ मैच कर दिया मैंने। आ गया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह 20, that means कितने tens आएंगे? कितने tens आएंगे? आगे वाला नंबर कौन सा है? two tens and zero ones. ठीक है, 2 tens and 0 ones. ठीक है जी, तो आज वाला काम सबको समझ में आ गया? अपने बुक में कंप्लीट कर लोगे? नोटबुक पर करना है? नहीं, फेयर नोटबुक पे नहीं करना, आपने अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, आपकी बुक में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई है, बुक में साफ साफ कर लेंगे। मैम ओके। ठीक है, अब देखो। हाँ जी, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, वहाँ पे मैं फर्स्ट पेज ऐड करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट भी लिखूंगी, डेट भी, और कौन सा कौन कौन से क्वेश्चन करनी है। ठीक है, डायरी साथ में लिखूंगी। ठीक है, फर्स्ट फाइव फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन करनी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपका पेज 121 के साथ मैं 121 के बाद मैं 124 पेज शो करूंगी। ठीक है, जहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब आपको मैं होमवर्क सेंड करूंगी उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लास ओवर करती हैं फिर। ठीक है, क्लास एंड करती हैं। आज वाला काम आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। मैम बाय। Oh, me.